roaring in the morning sun, searching for a longer day. हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। मेरा नाम मनोज वाइट, यूट्यूब चैनल है। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के अंदर टॉप 5 थीम के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर 1 थीम के बारे में बात करने वाले हैं, जो आप इस थीम को देख के जरूर अप्लाई करेंगे और अप्लाई करना भी चाहिए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, और कोई बाहर का नॉइज़ आए, वो कोई आउट साउंड आए तो यार माफ़ कर देना। ओके, तो यहाँ पर देखो दोस्त, थीम्स के बारे में बात करने वाला, तो इसलिए आपको मैं बता दिया हूँ थीम्स जो नंबर 1 थीम्स हमारा होते हैं, और हम इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करने वाले हैं टॉप 5 थीम्स को। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल जो थीम के बारे में है, उसका नाम है रेड इंफ्यूज्ड। तो इसमें आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ऐसा कुछ इंटरफेस रेड की जैसा आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर बात करेंगे साइड की, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको ऐसा कुछ लॉक का इंटरफेस मिल जाता है, नॉर्मली होम स्क्रीन का इंटरफेस मिल जाता है, और ईजिली आप उसको सिंपली अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर जैसे अप्लाई करोगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका अप्लाई। तो यहाँ पे देख सकते हो, रेड इंफ्यूज डीडी लिखा गया है दोस्तों। तो सिंपली आपको यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो लॉक स्क्रीन के देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो, लॉक स्क्रीन कैसा अमेजिंग देखने को मिल जाता है लॉक स्क्रीन। तो ईजिली आप इसको डाउनलोड करके अप्लाई भी कर सकते हो। देख सकते हो दोस्तों, मैंने लॉक मतलब पासवर्ड यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पे देख सकते हो ऐसे आरो जैसे आ रहा है, आप उसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सिंपली आपका अनलॉक्ड हो जाएगा। तो बात करेंगे उसका आइकन्स बैक की, तो देख सकते हो गाइस, आपको आइकन कैसा आपको देखने को मिल जाता है, जो बहुत स्नैपी आपको देखने को मिल जाता है, बहुत स्मूथ मिनिमलिस्टिक एंड ऐसा कुछ सिंपली देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हो आइकन, बहुत डिजाइंड आइकन आपको देखने को इस थीम के अंदर मिल जाता है। तो बात करेंगे सेकेंड थीम, तो गाइस सभी थीम का नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सिंपली उसको डाउनलोड करके आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों बात करेंगे, और गाइस अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्यों वेट कर रहे हो, यार सब्सक्राइब करो, उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करो ऑल पे, जैसे कि इस तरह का आपको थीम वीडियोज़, कस्टम रोम वीडियोज़ आप इजिली आपकी फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन पा सकते हो और हमारे वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना, दैट्स वाइज आपको बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिल जाएगा। जो बात करेंगे कि यहाँ पे सेकेंड थीम की, तो यहाँ पे देखने को ऐसे कुछ मिल जाता है, और शाफी और टीडी यहाँ पे जो नाम है उसके साथ आप देखोगे, थोड़ा यहाँ पे लॉक स्क्रीन ऐसे देखने को मिल जाता है, स्टॉक जैसा आपको मिनिमलिस्टिक मिल जाता है, सिंपल जैसा आपको मिल जाता है स्टॉक। और यहाँ पे देखोगे स्टेटस बार आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, मे बी स्टेटस बार होगा या नहीं होगा आई डोंट नो, बट आप देखोगे यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हो। और बात करें वॉलपेपर, तो बहुत मतलब देख सकते हो, बहुत अमेजिंग देखने को मिल जाता है, जो बहुत नेचुरली फील आपको देखने आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखो तो आइकन्स वगैरह ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, तो आप स्टॉक लवर हो तो यहाँ पे इजीली उसको आप लाइट कर सकते हो, इजीली आप यूज्ड भी कर सकते हो दोस्तों। तो बात करेंगे सेकेंड थीम की, जो हमारा थर्ड थीम है, हमको कैसे देखने को मिल जाता है। तो बात करेंगे उसका लॉक स्क्रीन के बारे में, तो सिंपली आपको लॉक स्क्रीन स्टॉक एंड्रॉयड जैसे देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इसको सिंपली भी आपके फ़ोन के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो बात करेंगे थर्ड थीम की, ये जो थर्ड थीम है जो बहुत सही और बहुत ब्यूटीफुल देखने को मिल जाता है आपको। और बात करेंगे उसके लॉक स्क्रीन ऐसा कुछ देखने को इंटरफेस देखने को मिल जाता है, और आइकन मिनिमलिस्टिक आपको स्टाइलिश देखने को मिल जाता है, जो आपको देख सकते हो यहाँ मेटलिक देखने को मिल जाता है और बहुत ब्यूटीफुल देखने को मिल जाता है। दूसरे सिंपली आप अप्लाई करोगे तो NYCE उसका थीम का नाम है, सिंपली आप थीम स्टोर में सर्च करोगे तो आपको सिंपली मिल जाएगा। और देखोगे इसमें आपको यहाँ पे बहुत सारा कस्टमाइज देखने को मिल जाता है, तो स्टेटस बार में वोल्टी आइकन बैटरी और यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल जाता है। बात करेंगे स्टेटस वगैरह की, तो यहाँ पर देख सकते हो स्टेटस भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाता है यहाँ पे लोग। और आइकन बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे आइकन देखने को मिल जाता है, देख सकते हो यहाँ पे कैसे ना ब्यूटीफुल आइकन देखने को, थोड़ा स्टाइलिश थोड़ा यूनिक आइकन आपको देखने को इस थीम के अंदर मिल जाता है। जो लॉक स्क्रीन की बात करेंगे, इस लॉक स्क्रीन आपको सिंपली ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, तो बहुत अच्छी वॉलपेपर के साथ आपको देखने को मिले, तो सिंपली सेटिंग्स वगैरह तो नॉर्मल है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, तो स्टेटस वगैरह बेसिकली चेंजेस हुआ है। और यहाँ पे मैसेज की बात करेंगे तो सिंपली मैसेज वगैरह भी सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है, नॉर्मल चेंजेस और ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाता है, इजीली आप इसको अप्लाई भी कर सकते हो। उसका नाम है NYCE। जो बात करेंगे थर्ड फोर्थ थीम की, ये है NYCE NICE TR। तो ये जो थीम है ना, बहुत अमेजिंग थीम है, लिटरल मेरे को बहुत पसंद आता है। और यहाँ पे देखो लॉक स्क्रीन तो अमेजिंग है, और इस लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेबल के लिए जाना जाता है, और ये बहुत अच्छी थीम है। और इसको देख सकते हो आइकन सब कुछ यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, और यहाँ पे देख सकते हो इस ना कुछ आइकन्स देखने को मिल जाता है
है दोस्तों। जैसे ही आप अप्लाई करोगे यहाँ पे आपको सिंपली आपका थीम स्टोर के अंदर ये जो थीम में अवेलेबल हो जाएगा, आप इजीली मतलब हो जाएगा, सिंपली इसको इंस्टॉल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। जैसे कि आप वॉलपेपर देखोगे बहुत ब्यूटीफुल देखने को मिल जाता है, बहुत ब्लेशिंग देखने को, बहुत यूनिक देखने को मिल जाता है। देखोगे लॉक स्क्रीन तो भाई बहुत अमेजिंग है यार, लिटरली गाइस बहुत आपको अमेजिंग देखने को मिल जाता है यार। इसमें क्लिक करोगे तो ऐसा आपको आइकन्स वगैरह ऐसा एनिमेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे म्यूजिक यहाँ पे आप देख सकते हो, उसका जो लोकेशन से हमें हमारा जो वेदर्स रिपोर्ट्स यहाँ पे देखते हो, तो लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हो, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे इजिली कस्टमाइज भी कर सकते हो। बात करूँ उसका आइकन्स बैक की तो सिंपली गाइस देखोगे तो आइकन कितना ब्यूटीफुल कितना अमेजिंग देखने को मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पे कस्टमाइजेबल कर सकते हो, सिंपली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जो वॉलपेपर है ना बहुत अमेजिंग बहुत ब्यूटीफुल देखने को मिल जाता है दोस्तों। और बात करेंगे उसका इंटरफेस की तो यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आइकन्स वगैरह भी ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है। तो लॉक स्क्रीन तो इसलिए तो किंग है ये लॉक स्क्रीन के लिए। और यहाँ पे इजीली क्लिक करोगे तो इस तरह कस्टमाइजेबल आप इजीली कर सकते हो, तो उसका भी लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में, उसको सिंपली डाउनलोड करके अप्लाई भी कर सकते हो। और थीम स्टोर में भी अवेलेबल है, सर्च कर भी अप्लाई कर सकते हो। जो हमारा फिफ्थ थीम है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है देखो, तो यहाँ पे जो उसका नाम है मिक्स CC9 version 10। तो गाइस ये जो थीम है ये एक MIUI 11 का थीम है। तो सिंपली आप MIUI 11 का आइकन्स पैक को अप्लाई करने के लिए इस थीम को अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो बात करेंगे उसके इंटरफेस की तो यहाँ पे देख सकते हो ऐसा कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो आइकन्स पैक की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो MIUI 11 जो आपको अपकमिंग डिवाइस में मिलने वाला अपडेट, उसके आइकन आप इजीली यहाँ पे मतलब अभी से अप्लाई करके यूज कर सकते हो, आपकी मतलब फ़ोन को डिज़ाइन और लुक को इंक्रीज कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो ऐसा कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। जैसे हम उसको अप्लाइड करेंगे तो ये देख सकते हो जो बहुत लोग यूज़ करते भी है अभी, सिंपली यहाँ पे देख सकते हो जो आइकन्स है जो बहुत मेरे को फेवरेट है मेरा आइकन्स, यहाँ पे देख सकते हो MIUI 11 का दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो MIUI 11 का आइकन्स वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ उसका डिज़ाइन उसके साथ एनिमेशन भी काम करता है दोस्तों इसमें। तो देखोगे थीम्स में अभी क्लिक करूँगा, अभी स्वाइप अप जाऊँगा तो हम देख सकते हो एनिमेशन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो गाइस लिटरली बहुत अमेजिंग। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और गाइस सभी लिंक मिल जाएगा थीम्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यार बताओ मेरे को इस थीम का सीरीज आपको इस वीडियो अंदर आपको कैसा लगा, और मेरे कमेंट से बताना यार कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, लाइक एंड शेयर कर देना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कैच यू नेक्स्ट वीडियो। एंटिल द टेक गुड बाय, थैंक यू सो मच।